बता दें कि तुर्की और सीरिया में जलजले से मरने वालों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। दोनों ममालिक में मरने वालों की तादाद में इजाफा एक बार फिर से हुआ है। 8,500 से अब यह आदादोशुमार बढ़कर 8,700 के पार पहुंच गया है। बता दें कि 8,700 से भी ज्यादा मौतें हो चुकी हैं अब तक, और ये तुर्की और सीरिया का आदादोशुमार है। अकेले तुर्की की बात करें तो 6,000 लोगों ने यहां पर अपनी जान गंवा दी। वहीं सीरिया में 2,500 से ज्यादा मौतों की खबर है। आज सुबह भी 4.3 शिद्दत का जलजला आया था, तो जलजलों का जो दौर है वो थमता हुआ इस वक्त नजर नहीं आ रहा। 3 अर्थक्वेक पहले आ चुके हैं और एक बार फिर से जलजला महसूस किया गया। आप लोगों की बेबसी देख सकते हैं, लोग कितनी तकलीफ में हैं, अपनों को खोया है। والله بس يمر عيني، والله والله العظيم بس يمر عيني. الحمد لله كل عام الحمد لله. तो लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह बेबसी लोगों में है, मायूसी है, और रेस्क्यू टीमें कैसे जद्दोजहद कर रही हैं मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए, वो भी इन तस्वीरों में आपको नजर आएगा। छोटे बच्चे हैं जो फंसे हुए हैं मलबे के ढेर में, उन्हें निकालने की लगातार कवायद जो है तेज किया गया है ताकि उनकी जिंदगी बचाई जा सके। अवलीन तरजीह यही है कि छोटे मासूम जो बच्चे इस वक्त फंसे हुए हैं उन तक फौरी तौर पर मदद पहुंचाई जाए। लोग यहाँ पर मुसलसल जुटे हुए हैं, न सिर्फ तुर्की की सेना है, ये आपको बता दें कि इसी तरह दूसरे ममालिक से भी सेनाओं को पहुंचाया गया है। फौज जो है वो पहुंची है यहाँ पर और रेस्क्यू का काम किया जा रहा है। तस्वीर आप देख सकते हैं इस वक्त किस तरह बच्चों का रेस्क्यू किया जा रहा है, मलबे के ढेर से बच्चों को निकालने का काम जारी है। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ इंसानी बेबसी है, लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, अपनों को खोया है उन लोगों ने, और दूसरी ओर कोशिश फौज और इंतजामिया की यही कि जल्द अज जल्द इन लोगों को बाहर निकाल लिया जाए। तो तस्वीर आप इस वक्त देख सकते हैं, बच्चों को बाहर निकाला जा रहा है, और इसी तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम दिया गया। तुर्की के मुख्तलिफ रियासतों से इस वक्त इसी तरह का हाल दिखाई दे रहा है, यही मनाजिर है। चारों तरफ तबाही की तस्वीरें हैं, मुनहदिम हुई इमारतें हैं और उसमें से रेस्क्यू करते लोग। एक और तस्वीर आपको इस बेबसी की दिखाते हैं, किस तरह ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनों को खोया है जलजले में, इस हादसे में, और यहाँ पर एक दूसरे का सहारा बनते हैं। रेस्क्यू टीमें आप देख सकते हैं इमोशनल सपोर्ट भी लोगों को देती हुई यहाँ पर नजर आ रही हैं, जज्बात बांट रहे हैं ये लोग जो इस वक्त अपनों की तलाश में है, और न सिर्फ लोगों को मलबे से निकालने का काम ये टीमें कर रही हैं बल्कि एक इमोशनल सपोर्ट की तरह भी लोगों के साथ ये जो अहलकार हैं, इंतजामिया के जो अफसर हैं, ये खड़े हुए नजर आए, लोगों को हिम्मत देने का काम कर रहे हैं। इंसानियत की मिसाल यहाँ पर पेश की जा रही है, मशीनरी के जरिए तो मदद फराहम कराई ही जा रही है, कटर का इस्तेमाल कर मलबे को काट लोगों को निकाला जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ हौसला बढ़ाने की भी कोशिश की जा रही है, लोग रोते बिलखते अपनों की तलाश में यहाँ पर हैं, उनकी आँखें एक झलक पाने के लिए यहाँ बेबस हैं, और ये लोग रेस्क्यू ऑपरेशन में जो जुटी टीमें हैं वो कहीं ना कहीं लोगों की तलाश तेज किए हुए हैं, साथ ही साथ इनका हौसला भी बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बेहद अफसोसनाक करने का मंजर है, तुर्की और सीरिया की इसी तरह की तस्वीरें हैं। जलजले की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि तमाम इमारतें मुनहदिम होती हुई यहाँ पर दिखाई दी, और तस्वीर आप इस पर देख सकते हैं।